राजेश जोशी ने जो रची है, काव्यांश रचा है, कविता रची है, इसमें बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है, जिससे इसके कारण कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। यह कविता गहरे सामाजिक बोझ की कविता है। कवि ने बाल मजदूरी की भयानक स्थिति के प्रति चिंता व्यक्त की है। जो उम्र बच्चों के खेलने, कूदने और पढ़ने लिखने की है, उस उम्र में उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है। विवशता के कारण काम पर जाना पड़ रहा है। छोटे बच्चे, छोटे कामगार, मजदूरों की व्यथा को इस कविता में जो उन्होंने बताया है, इनके काव्यांशों का वर्णन मैं आपके सामने करूंगी। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक का वर्णन बताती हूँ। पहले मैं कवि परिचय दे देती हूँ, जिसमें राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य किया और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। उन्होंने लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जोशी जी के प्रमुख काव्य संग्रह हैं एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य की हंसी, दो पंक्तियों के बीच। उनकी भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली वाणी के साथ साथ उर्दू के शब्द भी देखने को मिलते हैं। शुरू करते हैं प्रथम काव्यांश से। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह। भयानक है इसे विवरण की तरह लिख जाना, लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? कवि कहता है कि सुबह के समय सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, चारों ओर भयंकर ठंड पड़ रही है, फिर भी रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था के कारण बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। जिस समय बच्चों को ठंड से बचने के लिए घर में होना चाहिए, उस समय वे काम पर जा रहे हैं। घने कोहरे के साए में सड़कों पर निकल पड़े हैं। हमारे युग की यह सबसे भयानक स्थिति है, भयावह स्थिति है, कि जिस उम्र में बच्चों को खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना चाहिए, उस उम्र में वे काम पर जा रहे हैं। इससे भी भयानक स्थिति यह है कि हमारा समाज इस समस्या को सामान्य घटना मानकर इसकी ओर ध्यान नहीं कर रहा है। इस समस्या को महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में बताना चाहिए या प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आखिर ये बच्चे खेल कूद और पढ़ाई लिखाई की दुनिया से दूर रहकर पेट पालने की चिंता से ग्रस्त क्यों हैं? यानी कि इस काव्यांश में कवि जो है, जो छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं, बाल मजदूरों पर व्यथित हो रहा है। दूसरे काव्यांश की बात कर लेते हैं। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? कवि जो है प्रश्नों की भाषा में बात करता है और प्रश्न पूछता है कि क्या सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं बच्चों के खेलने की? कभी नन्हे मुन्ने बच्चों को सुबह सुबह जब वो घने कोहरे में काम पर जाते हैं तो उन्हें देखकर विचलित हो जाता है और समाज से प्रश्न करता है कि ये छोटे छोटे बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में गिर गई हैं? अर्थात बच्चों के खेलने के लिए क्या सारी गेंदें नष्ट हो गई हैं? क्या इनकी रंगीन किताबों को दीमकों ने खा लिया है? अर्थात जो बच्चों की किताबें थी, क्या वे अब नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के सारे खिलौने
किसी काले पहाड़ के नीचे दबकर नष्ट हो गए, या किसी भूकंप के कारण बच्चों के विद्यालयों की इमारतें नष्ट हो गई हैं? क्या बच्चों के खेलने के सारे मैदान, बगीचे, घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं? आखिर इस तरह से अचानक बच्चों को बचपन की सारी सुख सुविधाओं से कैसे वंचित कर दिया गया है? ये सारे प्रश्न हमें उत्तेजित करते हैं कि हमें उनका बचपन लौटाना होगा, उन्हें खेलने तथा पढ़ने के लिए उचित अवसर उपलब्ध कराने होंगे और उन्हें काम पर भेजना बंद करना होगा। तीसरा क्या व्यंश है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मामूल पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि कहता है कि यदि बच्चों से उनका बचपन छीन लिया जाएगा तो इस संसार में क्या बचेगा? अगर इस संसार में बच्चों के लिए गेंद, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, मैदान, बगीचे और आंगन नहीं रहे तो इस संसार का क्या लाभ है? ऐसे संसार के होने का क्या फ़ायदा है? यानी कि संसार का होना या ना होना व्यर्थ है। यदि संसार सचमुच ही इन वस्तुओं से रहित हो जाए तो संसार कितना भयंकर प्रतीत होगा। अंत में कवि स्पष्ट कहता है कि यदि संसार में कुछ नहीं बचता है तो यह भयानक बात थी, परंतु उससे भी अधिक भयानक बात यह है कि सब कुछ पहले जैसा ही है। ये वस्तुएं वैसी ही हैं जैसी होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये चीज़ें इन बच्चों को नहीं मिल पा रही। देश के बच्चे इनसे वंचित रह जाते हैं। बच्चे खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने की उम्र में रोजी रोटी कमाने के लिए विवश हो रहे हैं। संसार की हजारों सड़कों पर नन्हे मुन्ने बच्चे काम करने के लिए जा रहे हैं। बाल मजदूरी निरंतर जारी है। यह सचमुच चिंता का विषय है। इस काव्यांश में जो दुनिया है, दुनिया का तात्पर्य है संसार। हस्ब मामूल का मतलब है यथावत, यानी जैसी थी वैसी ही होनी चाहिए।